ये साहब अस्त व्यस्त जिंदगियां, तहस नहस घर और पानी में डूबा निकट भविष्य, ये नज़ारे राजस्थान के हैं। गुजरात पर अपना कहर बरपाने के बाद पिपर जॉय ने राजस्थान की हालत भी खस्ता कर दी। सड़कें नदियां बन चुकी हैं, अस्पताल पानी से भरे नाले में तब्दील हो चुके हैं, चारों तरफ बस पानी ही पानी। जून में राजस्थान को बाढ़ में डूबा गया पिपर जॉय। राजस्थान में चक्रवाती तूफान पिपर जॉय का कहर सोमवार को भी जारी है। जालौर, सिरोही और बाड़मेर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बिजली, इंटरनेट जैसी सेवाएं भी ठप पड़ गई हैं। शंखवाली पंचायत में 15 लोगों की जान 24 घंटे से पानी में फंसी है। लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इन इलाकों की स्थिति पर अपडेट ले रहे हैं। सिरोही जिले में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ के शिवगंज इलाके में कुछ लोग घंटों तक पानी में फंसे रहे। चारों ओर पानी के बीच ट्रैक्टर और जीप समेत फंसे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। आखिरकार 3 घंटे बाद उन्हें बचाया जा सका। राजस्थान में चक्रवाती तूफान पिपर जॉय की वजह से कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। जालौर, सिरोही और बाड़मेर में इस तूफान से हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। कई जगहों पर अब तक पानी में फंसे 59 लोगों को SDRF टीमों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं जालौर की कवराड़ा पंचायत में खेत से घर लौट रहा किसान लापता है। तो वहीं जालौर से परीक्षा देने जा रहा छात्र एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच सका। नहीं जा सकते, बसे भी बंद है और यहाँ पानी भरा हुआ है, नहीं जा सकते आगे। कितने बजे एग्जाम है आपका? कल 9 बजे से। कौन सी तारीख? कल 19 जून 2023 को एग्जाम है कल। अधिकारियों के मुताबिक पिपर जॉय तूफान के चलते जालौर और बाड़मेर जिलों के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जालौर के भीनमाल कस्बे में 39 लोग फंसे हुए थे, उनकी टीम ने सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। तो वहीं बाड़मेर, धौरी मन्ना कस्बे के निचले इलाकों में भी 20 लोग फंसे थे पानी भरने से। घरों में फंसे इन सभी 20 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।